गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं बनाने जा रही हूँ आज अपनी बेटी का फेवरेट लंच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और वीडियो में तक बने रहिएगा ताकि आप भी जान सकें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए बेसन, और बेसन में डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों का मिक्स करके मैं पानी के साथ अच्छा सा घोल तैयार करूँगी बेसन का। तो ये देखिए बेसन मेरा घोल कर तैयार हो चुका है, और अब मैं कढ़ी बनाने के लिए लस्सी में बेसन मैंने डाल दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल करके घोल के अच्छे से तैयार करके मैं इसको साइड में रख दूँगी। और ये मैंने कुछ यहाँ प्याज लिए हैं कटे हुए और हरी मिर्ची, तो इसको मैं पकौड़े में डालूँगी। मैंने यहाँ बेसन में डाल दिया इनको। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पकौड़े तलने के लिए मेरा घोल तैयार हो चुका है, और यहाँ मेरा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रहा है। तो अब मैं पकौड़े तल लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए मैंने पकौड़े इसमें डाल दी हैं, और पकौड़े मेरी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो रही हैं, लाल लाल। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी पकौड़े मैंने निकाल ली हैं और पकौड़े तल लेती हूँ। बस अब बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए फटाफट बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी, क्योंकि लंच का टाइम भी हो चुका है। तो बस इसीलिए ये देखिए पकौड़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं अच्छे से सारी की सारी। पकौड़ी तलने के बाद जो मेरा तेल बच गया था, मैंने उसी में कड़ी छोंक ली है, तो इसे मैंने डाल दिया थोड़ा सा सूखी मेथी दाना। और अब मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। मेथी और जीरा अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें डालूँगी थोड़ी सी 1 चुटकी भर हींग। मेथी, जीरा और हींग अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं डालूँगी इसमें सूखी लाल मिर्चें, इसे तड़का बहुत अच्छा लगता है। और मैंने डाल दिया इसमें लस्सी और बेसन का बैटर जो घोल के रखा था अच्छे से। और ये देखिए मेरी कढ़ी डल चुकी है। अब थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी इसमें मैं, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगाती है, तो पकते पकते अपने आप गाढ़ी हो जाती है। तो इसको बस अच्छे से हम छोड़ देते हैं पकने के 10-15 मिनट के लिए। और यहीं पर मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि नमक और हल्दी मैंने पहले डाल रखा था। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरी कढ़ी अब पक चुकी है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ। ये देखिए सारे पकौड़े डाल करके मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और मेरी यहीं पर अब मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। बस अब मैं इसको सर्व करके दिखाते हैं कटोरे में। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, ये देखिए। तो फ्रेंड आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।